आज है जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस आज आपके भाई ने व्रत रखा है, तो भाई जिस दिन मैं व्रत रखता हूँ ना उस दिन मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती है ना भाई साहब बता नहीं सकता। ये देखो मेरे पीछे अभी गाय आ गई इधर, मैंने प्रसाद लिया तो प्रसाद खाने के लिए ये आ गई इधर। गाय जे जो सामने आपको चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पे एक रस्सी का झूला लगाते थे हम, बहुत बड़ा झूला लगाते थे, सभी गाँव वाले झूलते थे, पर इस बार किसी ने झूला ही नहीं लगाया। और फाइनली गाइस जे वाली रोड जेसीबी से ठीक कर दिए। मैं बोल रहा था कि शायद कल परसों से कैंकरे का काम भी शुरू हो जाए इधर। गाइस कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना मत भूलना। हेलो गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का जो वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2 बजे, और गाइस आज है जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं जा रहा हूँ बीदे के दरबार प्रसाद चढ़ाने के लिए। अभी हम सुबह से प्रसाद बना रहे थे, तो ये रहा प्रसाद, आज हमने घर पे ये सब बनाया। बाकी अब मैं बीदे के दरबार जा रहा हूँ इसे चढ़ाने के लिए। मम्मी और भैया माता के दरबार गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब मैं भी देख के दरबार चलता हूँ और प्रसाद चढ़ा के आते हैं, उसके बाद फिर घर आके हम खुद आते हैं। और गाइस आज आपके भाई ने व्रत रखा है, भाई जिस दिन मैं व्रत रखता हूँ ना उस दिन मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती है ना भाई साहब बता नहीं सकता। वैसे मुझे भूख नहीं लगती, जब मैं स्कूल को जाता हूँ ना तो सुबह मैं खाना नहीं खाता हूँ, सीधा स्कूल से आने के बाद शाम को कोई 4-5 बजे खाना खाता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ 2-2.5 बजे, ज्यादा कर तो शाम के टाइम ही खाना खाता हूँ। जिस दिन व्रत रखा होता है बहुत ज्यादा भूख लगती है, आज भी वही हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब जल्दी से प्रसाद बीए दे के दरबार चढ़ा के आते हैं। जय श्री राधे राधे। चलो गाइस सब चलते हैं बीए दे के दरबार। ये देखो मेरे पीछे अभी गाय आ गई इधर, मैंने प्रसाद लिया तो प्रसाद खाने के लिए ये आ गई इधर, मुझे चढ़ाने नहीं देगी ये। भाई कैसे चढ़ाऊ अब, पहले से जहाँ पे लोगों ने चढ़ाया था प्रसाद, तो अभी इसने वो वाला प्रसाद खा लिया, पहले मुझे ये चढ़ाने दे उसके बाद फिर खा लेना। गाय सब मैं भी देख के दरबार प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहा था, तो अभी मेरे पीछे पीछे गाय आ गई, तो अभी मैं इधर आ गया ऊपर, इसको जहाँ से कैसे भगाऊं। गाइस अभी मैं 4 द्वारी के ऊपर हूँ, गाय अभी जाम पे भी आ गई, पहले मुझे ये खाना चढ़ाने दे उसके बाद हाली कोई बात नहीं है, पर अभी आ रही है ये। गाय माता प्लीज खाना चढ़ाने दो यार, पीछे आ गई देखो कैसे आ रही है, एक जे भी गर्म है, पैर मेरे जल गए इधर। गाइस अभी गाय तो नहीं जा रही है, अब प्रसाद तो चढ़ाना है, तो चढ़ा देते है गाय माता को ही। गाइस आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख दो जय श्री राधे राधे। एक जे वाले पत्थर भी बहुत ज्यादा गर्म है यार, इनके ऊपर चला भी नहीं जा रहा है, मजबूरी से मुझे इनके ऊपर चलना पड़ रहा है। ओ, 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 भाई भाई रुको 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 यारा, सबर करो। उन प्लेट को भी ले जाएगी क्या? अब क्या है मेरे पास कुछ नहीं है, अब चली जाओ। जय बीदेव। तो फाइनली गाइस अभी मैंने प्रसाद चढ़ा दिया बीदेव के दरबार, तो नहीं चढ़ा पाया क्योंकि गाय नहीं मुझे चढ़ाने दे रही थी, मुझे लग रहा है कि ये गाय नहीं है, ये श्री कृष्ण आए हैं जहाँ पे। जय श्री कृष्ण। चलो गाय सब चलती है घर पे, अब देखना मेरे पीछे पीछे गाय भी आ जाएगी। फाइनली गाइस अभी मैं बीदे के दरबार प्रसाद चढ़ा के आ गया हूँ, और फिलहाल गाइस अभी मैं आ रहा हूँ खाना, तो ये सब बनाया है हमने, ये देखो ये आगे चावल और ये आलू, ये आलू के पकोड़े और साथ में ये है साबूदाना। स्यूल भी बनाई है मम्मी जी ने, स्यूल भी बनाई है, वो तो मैंने ली नहीं है, बाकी उसे बाद में खाते है, इतना कुछ ले लिया है, पहले इसको खा लेते है उसके बाद खाते है स्यूल को। भाई पकौड़े मस्त हो रहे, इस वाले पकौड़े में कोई मिर्ची नहीं है, और गाइस ये मैदे के पकोड़े नहीं है, ये किसके पकोड़े बनाए हैं ना हमने, व्रत वाले आटे से घर पे पकोड़े बनाए हैं। बाकी गाइस अभी मस्त वाला खाना खाते हैं। तो फाइनली गाइस अभी मैंने व्रत वाला खाना खा लिया, तो भी मजा आ गया भाई व्रत वाला खाना खा के, आज हमने बहुत कुछ बनाया था अपने घर पे, मजा आ गया भाई खाना खा के।
सो हाँ जी गाइस, अभी शाम की वजह रेशे और गाइस तो भी आपका भाई आया था जंगल में जानवरों को चराने के लिए। तो फाइनली गाइस अभी मैंने अपने जानवर चरा लिए, तो अभी वापिस जा रही है वो घर पे। वहाँ पे सामने देखो जे जा रहे है मेरे साथ में, जहाँ पे मनु भी आया था। मनु जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। मनु से आप लोगों को मिलाते हैं। मनु रुक जा। और भाई क्या हाल चाल? हाल तो ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया मेरे को। कैसे हो गया जुकाम? पता नहीं थोड़ी क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है। भाई जन्माष्टमी के दिन हमारे गांव में एक बड़ा सा झूला भी लगाते थे, इस बार क्यों नहीं लगाया? हाँ लगाते थे उस वाले पेड़ पे। भाई जी जो सामने आपको चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पे एक रस्सी का झूला लगाते थे हम। बहुत बड़ा झूला लगाते थे, सभी गांव वाले झूलते थे, पर इस बार किसी ने झूला ही नहीं लगाया। मनु क्यों नहीं लगाया? पहले यार हमारे गांव के जो भी बड़े बड़े आदमी है ना, वो तो गए हैं मजदूरी करने के लिए, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं गया है ना। रस्से को बनाने वाला फिर? हाँ रस्सी को बनाते टाइम ना क्या ये बुरी हालत होती है, मनु को पता है। हाँ। मनु ने एक बार बनाया था कोई 2-3 साल पहले लॉकडाउन में, हमने बहुत ज्यादा झूला झूला था। एक बार क्या हो गया, मेरी कमीज ही फंस गई उसमें। जैसे हम उसको बेट जा रहे थे ना, उसका मेरी कमीज फंस गई उसमें। भाई इतनी टाइट होगी ना मेरी कमीज में, मैंने कहा छोड़ो यार मेरे को। नहीं छोड़ रही थी, छोड़ नहीं रही थी, उसने मेरे को पकड़ के रख लिया। जय भी देव। और फाइनली गाइस जे वाली रोड जेसीबी से ठीक कर दी है, आज इस वाली रोड की रिपेयर हो गई है। ये देखो भाई बिल्कुल नई रोड हो गई है। मनु तू क्या बोल रहा था अभी? अभी मैं बोल रहा था कि शायद कल परसों से कैंकरे का काम भी शुरू हो जाए इधर इस रोड में। चलो कोई बात नहीं, और उसके बाद लोग भी डल गए। अगर कैंकरा डल गया ना तो फिर रोड में कीचड़ नहीं होगा है ना? हाँ। नहीं तो रोड में वो ज्यादा कीचड़ होता है जब बारिश होती है। भाई मेरे जान पर चली गई, जल्दी से जाना पड़ेगा। दौड़ो भागो, नहीं दौड़ेंगे तो मार खाओ। रास्ता खराब है, नीचे गिरेंगे। कहाँ दौड़ो ऐसे करके? भाई आपके जान पर पहुंच गए। अभी नहीं पहुंचे है, इधर ही है। अभी इधर है, तो वही है। बाकी आगे चलेंगे। बाय बाय, जय श्री राधे राधे। तो चलिए अब इनको बांधते हैं। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8:30, और गाइस अभी आपके भाई ने वीडियो अपलोड कर दी है, और गाइस अभी मैं आया हूँ रसोई में हाड़ खाने के लिए। तो भी हमने रात के खाने में बनाया है पकोड़े और साथ में चाय। मैं बताता हूँ क्या बनाया। सो गाइस अभी मम्मा ने हमारे घर पे रात को जो व्रत वाला आटा है ना उसके पकोड़े बनाए हैं, तो पकोड़ों के साथ गाइस यहाँ पे चाय भी बनी है, तो अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी पकोड़े, आखिर कसम से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम भी खाते हैं अभी। तू वीडियो बना मस्त। हाँ। मैं तुझे पिक्चर के बताता रहता, ठीक है? मैं चले लेता हूँ कि मैं तेरे वीडियो बनाते बनाते इसे खत्म करता जल्दी जल्दी है। नहीं भाई वीडियो बाद में बना लूंगा, पर ये बाद में नहीं मिलेंगी मेरे। गाइस आज हमने व्रत रखा है, तो आज हमने खाना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हमने व्रत वाली चीजें खाई। व्रत वाला खाना मम्मा ने बहुत कुछ बनाया था, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो गाइस हमने दिन में जो व्रत वाला आटा है ना उसके पकौड़े बनाए थे, और उस टाइम हमने सियूल जो होती है हिंदी में उसे फुलियाँ बोली जाती है, तो फुलियाँ भी बनाई थी, साबूदाना और जो व्रत वाले चावल होते हैं वो भी बनाए थे, व्रत वाले आलू भी बनाए थे जो नमकीन आलू होते हैं। हाँ। ये आलू के पकोड़े और वो सिंपल आलू थे। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब ये वाला व्रत तो गाइस बिल्कुल मज़े से था यार। ये वाला व्रत तो इतनी आसानी से निकल गया ना। साल में एक बार आता है, साल में एक बार आता है, तो आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री राधे राधे। तो फाइनली गाइस अभी आपके भाई ने खाना खा लिया, और गाइस अभी आपका भाई जा रहा है सोने के लिए। आज के इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, तो ब्लॉग को कर दो लाइक, और चैनल पे जो भी नहीं है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका भाई मिलता कर ले कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय राधे, बाय बाय गाइस। कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना मत भूलना। बाकी गाइस बाय बाय।